निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अधिकार की मांग की है। अभी आयोग पार्टियों का रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, लेकिन उसके नियम तोड़ने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार उसके पास नहीं है। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज में इन छात्रों की कहानी फिल्म पैडमैन से कम नहीं है। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के रेड डॉट कैंपेन के तहत सैनिटरी नैपकिन बनाया जा रहा है। यह नैपकिन बनने से लेकर उसको डिस्ट्रॉय करने तक का इंतजाम किया गया है। महिला सशक्तिकरण को दिशा देने के लिए कॉलेज की छात्राएं इसका उत्पादन खुद ही कर रही हैं। वहीं इसका वितरण केवल 2 रुपए में किया जाएगा, जबकि स्लम एरिया में इसे मुफ्त में दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के दयानंद मॉडल स्कूल में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि जब तक प्रदूषण पर राजनीति होगी तब तक दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं होगा। सेंट स्टीफन अस्पताल से फिल्मिस्तान तक लगने वाले भयंकर ट्रैफिक जाम से आपको जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। करीब एक दशक पूर्व स्थानीय निकाय ने 1.6 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले रानी झांसी फ्लाईओवर को बनाने का फैसला लिया था। अब मार्च 2018 तक ये फ्लाईओवर तैयार होने की कगार पर है। शनिवार को एलजी निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए साइट पर पहुंचे थे। राजधानी दिल्ली में महीनों से चल रही सीलिंग से व्यापारियों को राहत मिल सके, इसके लिए डीडीए द्वारा 4 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। अभी भी उसे हरी झंडी मिलनी बाकी है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मास्टर प्लान में संशोधनों को लेकर 2 दिनों तक चली लोक सुनवाई अब 12 फरवरी को भी होगी। ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों के स्थगित और रद्द होने का सिलसिला जारी है। रविवार को कोहरे के चलते 18 ट्रेनें कैंसिल कर दी गयी, जबकि 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरपीएफ के जवानों को लावारिस हालत में एक बैग मिला। शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे आरपीएफ के जवान स्टेशन परिसर में गश्त लगा रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र स्कैनिंग मशीन के पास रखे एक बैग पर पड़ी। जवान उस लावारिस बैग को रेलवे स्टेशन पर ले गए, जहां पर जांच के दौरान बैग में 6 लाख रुपए के जेवर और कुछ नकदी मिली। रविवार सुबह गाजियाबाद के कवि नगर में हापुड़ चुंगी के पास खतरनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक स्कॉर्पियो कार और स्कोडा गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। स्कॉर्पियो कार पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ है। दिल्ली के घेवरा इलाके में चोरों ने एक ही रात में कई गाड़ियों के ACM चोरी कर लिए। यह चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद भी हो गई। CCTV वीडियो में यह दिख रहा है कि चोर कितनी सफाई से गाड़ी खोलते हैं और कुछ ही मिनटों में गाड़ी का ACM निकालकर फरार हो जाते हैं। चोरों ने ऐसी कई गाड़ियों से ACM एक ही रात में चोरी कर लिए। पूर्वी दिल्ली के सकरपुर इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड MCD कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। कर्मचारी का शव गणेश नगर इलाके में रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक शव की पहचान बहादुर सिंह के रूप में हुई है। बहादुर सिंह MCD से रिटायर हुए थे और परिवार के साथ दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते थे।